मीरा रोड में नाबालिग ने व्यक्ति पर किया धारदार हथियार से वार, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। मीरा रोड से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग ने एक व्यक्ति के ऊपर धारदार हथियार से वार किया। मामला मीरा रोड के पैंकरपाड़ा इलाके का है, जहां पर एक जनरल स्टोर के दुकान के बाहर दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास एक 17 वर्षीय लड़के ने अपने ट्यूशन टीचर पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। घायल युवक की पहचान 26 वर्षीय राजू के रूप में हुई है। स्थानिकों की माने तो राजू अपने क्लासेस के पास स्थित चौल के समीप खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे। उसी दरमियान 17 वर्षीय लड़का वहां पर चाकू लेकर आया और उसने लगातार राजू पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद 17 वर्षीय लड़के ने खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले के पीछे क्या वजह थी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।